हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं कस्टर्ड मिल्कशेक, जो गर्मियों के दिनों में बहुत ही अच्छा होता है, हेल्दी होता है और टेस्टी तो होता ही है। तो चलिए बनाते हैं कस्टर्ड मिल्कशेक। हमने पहले गैस पे पानी को गर्म करने के लिए रख दिया है। हम उसमें 10 से 12 बादाम डालेंगे और इसमें अच्छा सा एक उबाल आने देंगे। अच्छा सा उबाल आ चुका है। अब हम ठंडा होने के बाद इस बादाम के सारे छिलके को निकाल लेंगे। अब हम इस बादाम को मिक्सी के जार में डालेंगे और दरदरा पीस देंगे। बिल्कुल इसी तरह से हमें इसका पेस्ट बना लेना है। अब हम इसको एक कटोरी में निकालेंगे। गैस पे हमने आधा लीटर दूध गर्म होने के लिए रख दिया है और एक कटोरी में 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर हमने लिया है, उसमें ऐड करेंगे 3 चम्मच दूध और इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे, जिससे कि कस्टर्ड पाउडर में कोई गुठलियाँ ना रहे। अब हम एक उबाल आने के बाद कस्टर्ड पाउडर को दूध में मिक्स करेंगे और दूध को चलाते रहेंगे कंटिन्यूअसली। कस्टर्ड पाउडर को मिक्स करने के बाद हमारा दूध गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम ऐड करेंगे आधा कटोरी चीनी और चीनी को भी अच्छे से पकने देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ऐड करेंगे बादाम का पेस्ट और इसे भी अच्छा सा चला लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा पिस्ता और बादाम, 10 से 12 केसर के धागे। इससे फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और कस्टर्ड मिल्कशेक को कलर भी अच्छा आएगा। अब हमें इसको अच्छे से उबाल आने देना है। तो फ्रेंड्स, हमारा मिल्कशेक तैयार है। हमें इसको फ्रिज में 1 से 2 घंटे के लिए रख देना है। बस हमारा मिल्कशेक तैयार है।